भोपाल से एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि झांसी से गायब हुई एक लड़की की भोपाल में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि ताहिर नाम के युवक के साथ लड़की गायब हुई थी, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। भोपाल के चूना भट्टी स्थित निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक लड़की की मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि ताहिर नाम के एक युवक और उसके परिजनों के चलते उनकी बेटी की मौत हुई है। उन्होंने इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए कहा कि उनकी बेटी का धर्म परिवर्तन कर प्रताड़ित किया गया, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ी और उसका हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से मौत हो गई। नाबालिग लड़की झांसी से एक साल पहले गायब हुई थी। बताया जा रहा है कि लड़की की तबीयत खराब होने पर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां लड़की में खून की कमी बताया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। गौरतलब है कि झांसी में 2019 में नाबालिग के अपहरण होने का मामला दर्ज हुआ था। हिंदू संगठनों ने इस लव जिहाद को लेकर विरोध शुरू कर दिया है। ये इसको जो है भगा के ले गया था, ये ताहिर नाम का लड़का है, इसको भगा के ले गया था। बच्ची नाबालिग थी और ये 1.5 साल बाद लगभग आज पता चला है, इसने जब मार दिया है तो थाने के द्वारा सूचना मिली है कि बच्ची की डेड बॉडी ले जाओ। इस बीच में इसने क्या किया क्या नहीं किया है मेरे को कोई इसके बारे में जानकारी नहीं है। संबंधित थाने को, कोला रोड थाने को इस संबंध में पहले भी हमने आवेदन दिया था, लेकिन TI वहाँ एक भी नहीं सुनी, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है। और अभी आपकी मांग क्या है? अभी हमारी मांग ये है कि संबंधित के खिलाफ जिस जिनने एक तो ये तारिक, इनके परिवार और जिस जिसने भी इनको संरक्षण दिया है, इनके सबके खिलाफ 302 की कायमी होना चाहिए। नाबालिग लड़की के परिवार के काफी लोग पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं। लड़की के पिता यूपी पुलिस में इसी साल रिटायर्ड हुए हैं। एक चाचा DG की गाड़ी चलाते हैं। परिवार में कम से कम आधा दर्जन लोग पुलिस विभाग से जुड़े हैं। इसके बावजूद इस लड़की का समय रहते पता नहीं लगाया जा सका। जिनके हाथ में समाज को बचाने की जिम्मेदारी है और वे अपने परिवार के लोगों की जान नहीं बचा पा रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।